क्या दोस्तों आप भी परेशान हैं इस 35 रुपये के मंथली रिचार्ज से? दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप 35 रुपये का रिचार्ज नहीं कराएंगे तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, मतलब कैसे बिना रिचार्ज कराए 35 रुपये का आप आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब करें सिंह टेक्निकल स्टूडियो चैनल को और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों हम सभी लगभग डबल सिम का सेट यूज़ करते हैं जिसमें हम दो सिम्स रखते हैं, एक मेन सिम और दूसरी प्राइमरी सिम। दोस्तों लगभग 90% लोग प्राइमरी सिम पर ही अपना रिचार्ज कराते हैं, अपना बैलेंस कराते हैं और उसे ही कॉल या डाटा के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारी मेन सिम होती है उसमें हम 10 या 20 रुपये का टॉप अप करा के पड़ा रहने देते हैं, वो जब हमें ख़ास ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल अब कुछ नई फाउंडेशन टेलीकॉम कंपनियों ने लगा दी है जिसके तहत हमें 35 रुपये का रिचार्ज कराना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो दोस्तों आपका पहले तो आउटगोइंग बंद होगा, उसके बाद में आपकी इनकमिंग भी बंद कर दी जाएगी और जिससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपकी मेन सिम जो होती है वही आप हर जगह यूज़ करते हैं और वो बंद होने से आपको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाए हैं जिसके यूज करके आप ये 35 रुपये के रिचार्ज से पा सकते हैं छुटकारा। जी हाँ दोस्तों चलिए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में नाम आता है एयरटेल और वोडाफोन का, उसके बाद में दुनिया की सारी कंपनियाँ थी। लेकिन दोस्तों जब से इन्होंने 35 रुपीज़ का जो अपना प्लान लागू किया है इसके चलते महीनों में हर महीने में लगभग लाखों लोग जियो और बीएसएनएल से जुड़ रहे हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बीएसएनएल और जियो ने अभी ये जो 35 रुपीज़ का मंथली प्लान है ये लागू नहीं किया हुआ है, भविष्य में भी ना लागू करें। क्योंकि दोस्तों अगर जैसा कि आप अगर एक सिम पहले से ही 4G यूज़ करते हैं और दूसरी सिम आपके पास है और आपका सेट जो है डुअल 4G नहीं है तो आप BSNL में पोर्ट करा सकते हैं। BSNL में आपको 6 महीने में केवल 36 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है, जो कि आपको जिसमें आपको 600 सेकेंड्स मिलते हैं बात करने के लिए, प्लस 500 MB का डेटा और उसके साथ में 6 महीने की जो होती है उसकी वैधता भी मिलती है। तो दोस्तों हर महीने से अच्छा है कि आप 6 महीने में कराएं जिसमें साथ में आपको डाटा भी देता है और BSNL आपको बात करने के लिए 600 सेकेंड्स भी देते हैं। अगर आपके पास डुअल 4G सेट है और एक जियो की सिम चला रहे हैं तो आपके पास डुअल 4G सेट है तो आप जाहिर है वो भी आप जियो में ही करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जियो में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है, उसमें आप चाहे रिचार्ज कराएं या ना कराएं आपकी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों चालू रहेंगी, क्योंकि दोस्तों जियो ऐसी कोई चीज़ लागू नहीं करता है, उसमें आप 10 या 20 या 30 जो भी रिचार्ज करा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप BSNL चूज़ करते हैं या जियो चूज़ करते हैं, जो आपकी चॉइस हो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिंह टेक्निकल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।